हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइस, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे HFCL लिमिटेड जो की दो दिन से लोअर सर्किट पे है, काफी खराब कंडीशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या न्यूज है और क्यों ये लोअर सर्किट पे जा रहा है। सो गाइस, सारा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे और लेटेस्ट न्यूज क्या है, क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वो पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। आज के हाई की बात करें HFCL लिमिटेड के तो 82.55 रुपए इसका आज का हाई है। लो की बात करें 78.45 रुपए इसका आज का लो है। सो गाइस, अगर बाउंड्री हाई की बात करें 95.70 रुपए तक ये वापस आया है और अगर बात करें इसके बाउंड्री लो की 11.30 रुपए से उठ के जो कि 95.70 रुपए तक गया था। अगर मैक्सिमम की बात करें तो गाइस जो कि करीब करीब 2150 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था और एट प्रेजेंट आपको ऑफ कोर्स बहुत सारे शेयर मिल रहे हैं, जितने शेयर आपको लेने हैं एट प्रेजेंट जो कि मार्केट में मिल रहे हैं। सो गाइस, अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो काफी जबरदस्त कंडीशन है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ जो कि 12 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेस है, 2 अपॉर्चुनिटीज है। थ्रेट की बात करें तो 0 थ्रेट है। कंपनी अगर स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी विद हाई टीडीएम ईपीएस ग्रोथ, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विद लो डेट। सो गाइस, कंपनी के ऊपर जो उधार है वो बहुत ही कम है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर्स, एनुअल नेट प्रॉफिट्स इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। रिसेंट रिजल्ट की बात करें, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर, स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस ओवर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें वीकनेस की, नेगेटिव ब्रेकडाउन सेकंड सपोर्ट कंपनीज विद हाई प्रमोटर प्लेज। एंड अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज की तो हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। एंड अगर बात करें थ्रेट की तो 0 थ्रेट इसमें नजर आ रहा है, अभी कोई थ्रेट नहीं है। तो भाई एक चीज यहाँ पर जो कि ये चीज ऑफकोर्स जो कि एक मैंने डिस्कशन किया था कुछ टाइम पहले, जो कि प्लेज कम करने के लिए शेयर खरीदे थे और काफी ऊपर के अमाउंट में खरीदे गए थे जब इसका प्राइस काफी ऊपर का था। तो गाइस करीब करीब जो कि उस टाइम पर 80 रुपए से ऊपर का अमाउंट था, तब एक बड़ा प्लेज दूर किया था एक न्यूज के थ्रू मैंने आपको बताया था। एंड अगर बात करें इसके 2 से 3 4 दिन की बात करें तो टोटली इसमें सेलिंग हो रही है, इवन अभी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे जाए। एंड अगर बात करें सेंटीमेंट की तो गाइस इसमें जो सेंटीमेंट है 75% बाय 14% सेल एंड 11% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसके जो कि फाइनेंशियल की तो गाइस अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका रेवेन्यू में ऑफ कोर्स जो कि जून क्वार्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो एक बड़ा जंप भी देखने को मिला है, करीब करीब यहाँ पर 2 गुना जंप यहाँ पर ऑफ कोर्स जो कि ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक बड़ा जंप यहाँ पर नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस ईयर ऑन ईयर एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर HFCL में नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो करीब करीब सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें होल्डिंग की तो गाइस यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है 42.05% यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है, जितने एक्वायर करने थे कर चुका है। एंड हो सकता है थोड़ा सा और डाउन आए क्योंकि एक अभी प्लेस जो है वो काफी ज्यादा है जो कि 44.75% प्लेस है, जो कि ऑफ कोर्स ये भी दूर करना है। तो हो सकता है नीचे आए, नीचे एक्वायर करके प्लेस दूर करे। एंड अगर बात करें पब्लिक की तो गाइस पब्लिक होल्डिंग जो कि 55.7% होल्डिंग है, अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो 2.18% एक बड़ी यहाँ पर जो कि होल्डिंग के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स बना हुआ है। इवन अगर बात करें मार्च क्वार्टर में तो होल्डिंग इंक्रीज की थी मार्च क्वार्टर में, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो कि स्ट्रेंथ नजर आ रहा है HFCL में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग इंक्रीज की थी। एंड इसके अलावा न्यूज की बात करें तो काफी सारी न्यूज मार्केट में आ रही है। HFCL शेड ओवर 3% आफ्टर इवन आफ्टर प्रॉफिट जंप्स 2.90 रुपीज इन जून क्वार्टर। सो गाइस ऑफकोर्स हो सकता है यहाँ पर जो कि प्रोमोटर ऑफकोर्स जो कि हम पब्लिक का तो इसमें कोई खेल होता ही नहीं है क्योंकि पब्लिक है वो जो कि एकदम से पैनिक हो जाती है और जो कि सेल करना स्टार्ट कर देती है। हो सकता है और भी नीचे जाए, बट गाइस होल्ड करके रखें, एक बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है।
हो सके तो इसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दे। जो भी नए इन्वेस्टर हैं, मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी वो टाइम आ चुका है। थोड़ा थोड़ा करके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से आप एक बल्क क्वांटिटी उठा ले, थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीजें हो रही है। अगर बात करें डिविडेंड की, तो एजीएम में ये ऑफकोर्स जो कि रिकमेंड कर चुका है, जो कि जैसे ही एजीएम होगी, एजीएम के 30 डेज के बाद ये जो कि डिविडेंड की भी पेमेंट होगी, तो डिविडेंड की डेट भी करीब करीब नजदीक आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें पीएलआई स्कीम के लिए अप्लाई कर चुका है, अगर बात करें 5G जो कि एंड वाईफाई की बात करें, या फिर क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप की बात करें, तो अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो कि होल्डिंग इंक्रीमेंट की बात करें, काफी सारी चीजें इसमें जो कि प्लस पॉइंट जो कि नजर आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें तो ऑफ कोर्स जो कि बुलिश बिहेवियर है इसमें एट प्रेजेंट, क्योंकि कुछ ही टाइम में इतना ऊपर गया है, ये ऑफ कोर्स एक जो कि चिंता का विषय भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, तो डायरेक्टली उसी पर ही चलते हैं इस न्यूज से पहले। तो गाइस, अगर बात करें जो कि जो एएसएम लिस्ट में आ चुका है, जो कि एएसएम जो कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर, सो एडिशनल सर्विलेंस मेजर में ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये वो होता है जो कि कम टाइम में जो ज्यादा जो कि ऑफकोर्स जो कि ज्यादा रिटर्न देता है जो शेयर, उसको एडिशनल एएसएम में डाल दिया जाता है, एएसएम ग्रुप में। उसकी स्टेज अलग अलग स्टेज होती है। तो अगर बात करें एचएफसीएल की, तो एचएफसीएल की स्टेज कौन सी है, तो एचएफसीएल को हम डायरेक्टली एचएफसीएल को देखते हैं। तो गाइस, अगर बात करें एचएफसीएल की, तो इसमें एचएफसीएल की स्टेज जो कि फोर्थ स्टेज है। एंड अगर इसका अगर डिटेल में देखें, तो गाइस अभी जो कि बायर डिमांड है ए प्लस ग्रेट है, रैंक है 15th, सो प्राइस स्ट्रेंथ है 97। सो गाइस, अभी जो कि ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आपके लिए एक हो सकता है एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी आई है, और उसको हाथ से मत जाने दें। थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा करते रहे, एक बड़ा प्रॉफिट आपको ऑफ कोर्स मिल सकता है, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी पॉजिटिव है। 5G आएगा तो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा शेयर में, प्लस कंपनी में भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि वाईफाई पीएलआई स्कीम के लिए अगर एलिजिबल हो गया, तो एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होने वाली है एचएफसीएल में, और उससे ऑफकोर्स रेवेन्यू काफी जनरेट होगा। तो गाइज, काफी सारी चीजें पॉजिटिव है। एंड अगर बात करें एक न्यूज की, जो कि 5 जुलाई को ये न्यूज आई थी, एचएफसीएल सर्जेस 16% एज इट्स सेटअप सेकेंड वाईफाई विलेज इन कर्नाटका। सो गाइस, ये एक न्यूज आई थी 5 जुलाई को, काफी जबरदस्त न्यूज थी, जिसकी वजह से 20% इसमें लॉक लग गया था। एंड इसके अलावा अगर बात करें 10,000 करोड़ मार्क, जो कि जो लास्ट जो कि एक महीने में इसने जो कि क्रॉस किया है, 80% जूम हुआ है स्टॉक प्राइस में, ये काफी जबरदस्त न्यूज थी। तो गाइस, काफी जबरदस्त न्यूज आ रही है, आनी बाकी है, काफी सारी चीजें इसमें अभी हो रही है। तो गाइस, इसको लेना स्टार्ट कर दें, एक बड़ा मौका आप हाथ से मत जाने दें। सो वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।